अगर आप भी भारत को एक बेहतरीन टीम मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन भारतीय टीम के लिए इतना बेहतरीन नहीं गया जिसकी उम्मीद सभी भारतीय टीम के खिलाड़ी और प्रशंसक लगाए बैठे थे। लेकिन फिर भी भारतीय टीम के कई खिलाड़ियों ने एक छोर से लगातार शानदार प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को पूरी तरीके से संभाल कर रखा हुआ था, जिसके चलते भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को कड़ी टक्कर देने में कामयाबी प्राप्त करी। तो चलिए दोस्तों, बताते हैं आपको दूसरे टेस्ट मुकाबले के पहले दिन की पूरी हाईलाइट के बारे में। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, भारत और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम इस श्रृंखला को जीतने में कामयाब रहेगी? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं, भारत और न्यूजीलैंड के बीच एक जबरदस्त दो टेस्ट मुकाबलों की श्रृंखला खेली जा रही है, जिसके पहले टेस्ट मुकाबले में भारतीय टीम ने बेहद ही जबरदस्त खेल का प्रदर्शन करके दिखाया था। लेकिन इसके बावजूद भारतीय टीम न्यूजीलैंड को धराशायी करने में कामयाबी प्राप्त न कर सकी और न्यूजीलैंड को यह दूसरा मुकाबला न हरा सके, जिसके चलते पहला टेस्ट मुकाबला न्यूजीलैंड के जबरदस्त प्रदर्शन के चलते ड्रॉ के रूप में समाप्त हुआ। इसलिए दोनों टीमें दूसरे मुकाबले को जीतने के लिए अपनी एड़ी चोटी का जोर लगाने के लिए तैयार थी। दोस्तों, बता दें, इस दूसरे मुकाबले में भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला लिया, जो कि उनके पक्ष में कुछ हद तक नहीं गया, क्योंकि भारतीय टीम के कई बल्लेबाज एक बार फिर एक अहम मुकाबले में प्रदर्शन करने में नाकाम रहे। दोस्तों, बता दें, भारत की ओर से पारी की शुरुआत करते हुए नजर आए मयंक अग्रवाल और शुभमन गिल। इन दोनों बल्लेबाजों ने इस मुकाबले में बेहद ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। बता दें, शुभमन गिल और मयंक अग्रवाल ने शुरुआत से ही न्यूजीलैंड की टीम पर अपना दबदबा कायम करके रखा हुआ था। इन दोनों बल्लेबाजों ने पहले सेशन में बेहद ही शानदार बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम को एक जबरदस्त शुरुआत दिलाई, जिसमें भारतीय टीम ने 27 ओवर के खत्म होने तक बिना किसी नुकसान के 80 रन बना लिए थे, जिसमें शुभमन गिल अपने अर्धशतक तक पहुंचने वाले थे। वहीं मयंक अग्रवाल भी सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी करते हुए 32 रन बना चुके थे। लेकिन तभी दोस्तों, खेल का रुख पलटता हुआ नजर आया, जब गेंदबाजी करने के लिए नजर आए एजाज पटेल, जिन्होंने आते ही अपनी खतरनाक गेंदबाजी से भारतीय टीम के धुरंधर बल्लेबाजों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने पहले आते ही खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे शुभमन गिल को अपना शिकार बनाया और उन्हें 44 रन पर आउट करके भारतीय टीम को पहला झटका लगा। बता दें, शुभमन गिल के आउट होने के बाद टीम का स्कोर 28 ओवर के बाद एक विकेट खोकर 80 रन था। लेकिन दोस्तों, मुकाबला तो तब पलटने लगा जब एजाज पटेल ने विराट कोहली और चेतेश्वर पुजारा को चकमा देते हुए उन्हें इतनी बुरी तरीके से आउट किया, जिसकी कल्पना तो शायद इन दोनों खिलाड़ियों ने अपने सपने में भी नहीं की होगी। बता दें, उन्होंने पहले चेतेश्वर पुजारा को एक ऐसी चालाक भरी गेंद डाली जिसको चेतेश्वर पुजारा पूरी तरीके से पढ़ ही नहीं पाए और कदमों का इस्तेमाल करते हुए क्लीन बोल्ड हो गए और बिना खाता खोले ही पवेलियन की ओर लौट गए। वहीं विराट कोहली को तो उन्होंने जिस तरीके से आउट किया, उसे देखकर तो विराट कोहली ने अपना माथा पकड़ लिया और अपनी किस्मत को दोष देने लगे, क्योंकि वो जिस प्रकार से आउट हुए थे, वो साफ नजर आ रहा था कि वो नॉट आउट है। लेकिन खराब एम्पायरिंग के कारण वो अपना विकेट गवा बैठे और बिना खाता खोले ही पवेलियन लौट गए। विराट कोहली के आउट होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 30 ओवर के बाद 3 विकेट खोकर 80 रन था। इसके बाद दोस्तों, श्रेयस अय्यर और मयंक अग्रवाल ने बेहद ही जबरदस्त बल्लेबाजी का प्रदर्शन करके दिखाया। जहां मयंक अग्रवाल ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी कर रहे थे, वहीं श्रेयस अय्यर सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी का प्रदर्शन कर रहे थे। इन दोनों बल्लेबाजों ने साथ मिलकर भारतीय टीम की लड़खड़ाती हुई पारी को अपने कंधों पर संभाल कर रखा। इन दोनों के बीच में शानदार 80 रन की साझेदारी हो गई थी, जिसकी वजह से भारतीय टीम ने 47 ओवर के बाद 160 से अधिक रन बना लिए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही इन दोनों के बीच में एक शानदार साझेदारी पनपने लगी, तभी एक बार फिर एजाज पटेल ने बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारत को चौथा बड़ा झटका दिया, जब उन्होंने श्रेयस अय्यर को एक जबरदस्त गेंद डालकर चकमा दिया और उन्हें 18 रन पर आउट करके उनकी बड़ी पारी खेलने की उम्मीद पर पानी फेर दिया। उनके आउट होने के बाद भारतीय टीम का स्कोर 48 ओवर में 4 विकेट खोकर 160 रन था, जहां एक के बाद एक भारत के बल्लेबाज आउट होते नजर आ रहे थे। वहीं दूसरे छोर से मयंक अग्रवाल बेहतरीन बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। जैसे ही भारतीय टीम के 4 बल्लेबाज पवेलियन की ओर लौट गए, वैसे ही इसी बीच मयंक अग्रवाल ने अपना अर्धशतक भी पूरा कर लिया था। अब उनका साथ देने के लिए आए थे भारतीय टीम के विकेटकीपर बल्लेबाज रिद्धिमान साह, जिन्होंने पिछले मुकाबले में बेहद ही शानदार अर्धशतकीय पारी खेली थी, इसलिए उनसे इस मुकाबले में भी इस जबरदस्त पारी की उम्मीद लगाई जा रही थी। उन्होंने मयंक अग्रवाल के साथ मिलकर बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम की पारी को पूरी तरीके से संभाल कर रखा हुआ था। ये दोनों बल्लेबाज जितनी सूझबूझ और समझदारी से बल्लेबाजी कर रहे थे, उतना ही मौका मिलने पर आक्रामक अंदाज से बल्लेबाजी भी कर रहे थे। दोस्तों, जैसे जैसे खेल आगे बढ़ता जा रहा था, वैसे वैसे मयंक अग्रवाल अपने शतक के करीब पहुंचते हुए नजर आ रहे थे और उन्होंने अपना ये शतक पूरा भी किया। 59वें ओवर की पहली गेंद पर जब उन्होंने डारियल मिशेल की गेंद पर एक शानदार चौका जड़कर अपना शतक पूरा किया और इसी के साथ एक बार फिर ये साबित करने में कामयाब रहे कि वो भी भारतीय टीम के सबसे शानदार सलामी बल्लेबाजों में से एक है और उन्हें जब भी मौका मिलेगा, वो तब उस मौके का फायदा उठाते हुए शानदार पारी खेलेंगे और ये साबित करेंगे कि उनसे बेहतरीन बल्लेबाज मौजूद समय में कोई नहीं है। मयंक अग्रवाल ने इस मुकाबले में इतनी आसानी और शानदार जज्बे से बल्लेबाजी की, जिसे देखकर तो ऐसा लग रहा था कि उनके लिए न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने बल्लेबाजी करना कोई बच्चों का खेल।
दिनों, जहां विराट कोहली, चेतेश्वर पुजारा जैसे दिग्गज बल्लेबाज न्यूजीलैंड के गेंदबाजों के सामने संघर्ष करते हुए नजर आए, वहीं मयंक अग्रवाल ने ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी का प्रदर्शन करते हुए भारतीय टीम की पारी को पूरी तरीके से अपने कंधों पर संभाल कर रखा हुआ था, जिसके चलते भारतीय टीम पहले दिन के खत्म होने तक 70 ओवर में 4 विकेट खोकर 221 रन बनाने में कामयाब रही, जिसमें मयंक अग्रवाल अभी भी 120 की शानदार पारी खेलते हुए नाबाद मौजूद है। वहीं उनका साथ दे रहे हैं रिद्धिमान साहा, जिन्होंने 53 गेंदों में 25 रन बना लिए हैं और अब भारतीय टीम में पूरी तरीके से न्यूजीलैंड की टीम पर अपना शिकंजा कस लिया है। लेकिन दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या दूसरे दिन के खेल में भी भारतीय टीम के ये धुरंधर बल्लेबाज ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड पर अपना शिकंजा कसने में कामयाब रहेंगे या नहीं, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।